नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंबाला कैंट समाज सेवी व ट्रेडर वेलफेयर के प्रधान विकास सिंगला वैसे तो समाज सेवा के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वो लॉकडाउन के अंदर मास्क व सैनिटाइजर वितरित करने का कार्य हो या फिर गरीबों को खाना खिलाने का कार्य हो। इसके साथ ही विकास सिंगला ने एक और प्रण लिया कि कोई भी अंबाला का बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फ्री ट्यूशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया, जिसको वो बखूबी निभा भी रहे हैं। अब से पहले 5 ट्यूशन सेंटर खोल चुके हैं और आज भी उन्होंने अंबाला कैंट के आनंद नगर में ट्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। वहां पहुंचने पर आनंद नगर वासियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में वहां पर आनंद नगर की महिलाएं पहुंची। उन्होंने इस कार्य के लिए विकास सिंगला का धन्यवाद किया। वहां के लोगों में इस ट्यूशन सेंटर खुलने से खुशी की लहर है। विकास सिंगला ने पिछले ही हफ्ते यहां ट्यूशन सेंटर खोलने की घोषणा की थी, जिसको आज उन्होंने पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए उन्होंने आज एक सिलाई सेंटर भी जल्द खोलने की घोषणा की। बता दें कि उन्होंने 100 सेंटर खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अगर इससे ज़्यादा भी खोलने पड़े तो भी खोलूँगा। बता दें कि इस ट्यूशन सेंटर में बच्चों के लिए सब कुछ फ्री है, चाहे वो स्टेशनरी हो या फिर किताबें। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के खाने पीने का भी इंतजाम करने की बात कही। मुझे लगा कि आज ठंड ज़्यादा है, वहाँ पर भीड़ भी कम होगी, लेकिन वो मेरा अंदाजा गलत निकला। लोगों में बहुत उत्साह है, लोग अच्छे कामों के लिए आगे आ रहे हैं। ये मैंने एक पहल करी है और लोगों का मुझे साथ मिल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने आपको मेरे ख्याल से एक हफ्ते का आज संडे का दिन है, मैंने आपको एक हफ्ते का टाइम दिया था कि मैं यहाँ पर तब आऊंगा जब मैं यहाँ पर कुछ लेकर आऊंगा, क्वेश्चन सेंटर खोलूंगा। और मेरे कहने और करने में कभी भी फर्क नहीं होता, मैं जो कहता हूँ हमेशा करता हूँ। ये आप लोगों के सामने है, आज यहाँ पर ट्यूशन सेंटर की ओपनिंग हो रही है और वो बिल्कुल मुफ्त है। 5 ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं और मुझे वहाँ पर उद्घाटन के लिए जाना था, तो मैंने उनको ये बात कही, उद्घाटन की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आ जाऊँगा, आप ट्यूशन का सेंटर का उद्घाटन करो। हम कोई भी घोषणा करते हैं तो विद इन वीक का टाइम लेते हैं, उससे पहले पूरा कर देते हैं। और ये प्रकल्प कोई छोटा प्रकल्प नहीं है, टीचर की व्यवस्था, जगह की व्यवस्था, बच्चों के बैठने की व्यवस्था। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने यहाँ पर एक दो चीज़ें देखी हैं, स्टेशनरी भी उपलब्ध कराऊँगा बच्चों को, किसी को बस्ता चाहिए और अवस्था भी उपलब्ध कराएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी अगर ज़रूरत पड़ी करेंगे हम, पीने की भी व्यवस्था, और कुछ भी इसके अंदर हम किसी से भी कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और हम जितना हमारे से तन मन धन से हो रहा है हम कर रहे हैं। तो हमने 100 सेंटर खोलने हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे ज़्यादा भी खोलूँगा। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि महिलाओं की तरफ, रोज़गार की तरफ देखते हुए भी जो कार्य मैंने बाद में करना था, लेकिन अब मुझे जो हालात देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि उस कार्य के लिए मुझे लेट होना पड़ेगा। अब मैं बहुत जल्दी यहाँ पर सिलाई सेंटर भी खोलूँगा, ये मैं आप लोगों से रोजना कर रहा हूँ। बहुत जल्द यहाँ पर मैं सिलाई सेंटर खोलने के लिए आऊँगा ताकि महिलाओं को रोज़गार मिल सके और उनका घर का जीवन यापन सही तरह चल सके। और हम हमेशा समाज के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे, अच्छाई के लिए हमारे से हमेशा ही लोग उम्मीद करते हैं और हम उस उम्मीद पर खरा उतरना चाहते हैं। धन्यवाद।